दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं फिलहाल हूँ भागलपुर रेलवे स्टेशन पे, और जो मेरी आज की जर्नी होने वाली है वो होने वाली है भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो कि रोज़ाना 5:30 AM को सुबह 5:30 बजे भागलपुर से चलती है और आपको सेम डे दोपहर के 12:35 बजे तक दानापुर पहुँचाती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 231 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, एंड इसका मैक्सिमम स्पीड जो रहता है वो रहता है 110 किलोमीटर पर आवर। बात करो इस ट्रेन की कोच कमीशन के बारे में, तो इसमें 13 जनरल की कोचेस रहती हैं और 2 चेयर कार के। मैं आज जर्नी कर रहा हूँ चेयर कार में, जिसका फेयर मुझे पड़ा है 380 रुपीज़। अगर आप इसमें 2S से जर्नी करते हो तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 105 रुपीज़। सो चलिए चलते हैं कोच के अंदर और देखते हैं कोच का अंदर का इंटीरियर। जैसे ही आप इस कोच में एंटर करोगे, आपको कुछ इस प्रकार का सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 3x2 का है, और हर सीट के बगल में आपको एक चार्जिंग सॉकेट अवेलेबल मिलेगा। अगर मैं बात करूँ उस ट्रेन की लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस तो काफ़ी है, आप आराम से इसमें बैठ सकते हो, और एक हाथ रखने के लिए भी आराम से यहाँ पर दिया हुआ, हाथ रख के भी आराम से बैठ सकते हो। नॉर्मल चेयर कार से तो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है मुझे, जाली रखने के लिए किसी किसी के पास बढ़िया है तो कहीं ख़राब है। आपके को एक ट्रे मिल जाता है जिसमें आप अपना काम वाम कर सकते हो, लैपटॉप रख के आपको काम करना है तो आप उसको रख के काम कर सकते हो, और अगर आपको कुछ खाने को आएगा तो आप उसमें कुछ खा भी सकते हो रख के। So, चलिए देखते हैं इसके वॉशरूम का क्या कंडीशन है। तो चलिए चलते हैं वॉशरूम के अंदर और देखते हैं वॉशरूम का कंडीशन। अब जैसे वॉशरूम में आएंगे आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ये मिरर जो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, हल्का फुल्का। ये बेसिन है जो ठीक है, पानी वगैरह आ रहा है। मैं अभी फ़िलहाल हूँ वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम में, यहाँ एक आपको फ़ैन दिया हुआ रहेगा जो शायद चलता नहीं है, तो कुछ सोफ होल्डर वगैरह भी नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस वॉशरूम का तो एवरेज है, ना बढ़िया ना ख़राब, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं इसे।
मेहमानी को तो बैठिए। तो 10 मिनट की देरी से हम लोग आ चुके हैं पटना साहिब, और इस चीज़ से इससे आपको इस ट्रेन के पंचुअलिटी के बारे में पता चल ही गया होगा। आज के लिए ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। दिस इज़ राहुल साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रैवल विद राहुल।